मूसेवाला हत्याकांड में शामिल दो शूटर समेत तीन की गुजरात से गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गोली चलाने वाले प्रियव्रत को पकड़ा। शूटर के पास से गन और हैंड ग्रेनेड भी बरामद। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने खोया आपा, पीएम मोदी पर दिया विवादास्पद बयान। पीएम की हिटलर से तुलना करते हुए कहे अपशब्द। बीजेपी ने कहा ये उनकी मानसिकता का प्रश्न। जो अबू हुसैन थे उनका बयान और आज सुबोध कांत सहाय जी का यह बयान, इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है हमें इसका जवाब चाहिए। कर्नाटक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निपथ योजना पर सवाल उठाने वालों को दिया जवाब। कहा सुधार पहले खराब लगते हैं बाद में फायदा लगता है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन। थल सेना में अग्निवीरों की 5 अलग अलग होगी कैटेगरी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा अनिवार्य। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बीजेपी का बड़ा फैसला। पार्टी के नेता युवाओं को जाकर समझाएंगे अग्निपथ योजना के फायदे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी नेताओं को दिए निर्देश। अग्निपथ योजना के विरोध में हिंसा करने वालों को सीआरपीएफ जवान का संदेश। छपरा में सीआरपीएफ के जवानों ने गाना गाकर अनुशासन में रहने की अपील की। तुर भर को के उतपा तो मचावे लो अपने देशवा के अपने छोटी पहुंचावे लो। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के सामने राहुल गांधी की चौथी बार पेशी। 3 चरण में 28 घंटों तक हो चुके हैं सवाल जवाब। बीजेपी का हमला, देश में सबके लिए कानून बराबर। यहां ना कोई रानी है ना ही कोई प्रिंस। हिमाचल प्रदेश के सोलन में रोपवे ट्रॉली में 700 मीटर की ऊंचाई पर फंसे सभी 11 सैलानियों का हुआ रेस्क्यू। सुबह करीब 10:30 बजे से रुकी थी ट्रॉली। महाराष्ट्र के सांगली में एक घर से मिली 9 लोगों की लाश, एक ही परिवार के हैं सभी लोग। पुलिस को आत्महत्या का शक। आइए फटाफट अंदाज में एक नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर ताबड़तोड़ 50 में। हिमाचल प्रदेश के 16